राहुल गांधी ने एक नादानी का बयान दे दिया कि कांधार में एक जहाज में बैठकर अजीत डोवल गए थे, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, गलत है, वो नहीं गए उस जहाज में। लेकिन देश का कितना नुकसान किया एक नादान व्यक्ति ने। जब इस प्रकार का हाईजैक होता है, ये एक सिक्योरिटी इशू है। अजीत डोवल तो उस वक्त सिर्फ एडिशनल डायरेक्टर थे आईबी के, उनके ऊपर स्पेशल डायरेक्टर्स थे, डायरेक्टर थे, आरएनएडब्ल्यू के लोग थे, मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग थे। तो श्रीनगर से लेकर, दिल्ली से लेकर, दुबई से लेकर, कराची से लेकर कांधार तक हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क कहीं ना कहीं रहा होगा, बैकग्राउंड में कुछ कर रहा होगा। जो व्यक्ति कहता है कि मैं उस इंटेलिजेंस नेटवर्क की एक्टिविटीज उस वक्त उसको सार्वजनिक करूंगा, वो व्यक्ति इस काबिल ही नहीं कि वो सार्वजनिक जीवन में हो। वो देश के लिए खतरा है। ये केवल पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं थी, लेकिन इस नादानी से एक गलत बयान देकर, एक झूठा बयान देकर, अजीत डोवल उस जहाज में नहीं थे, लेकिन हमारे कौन कौन इंटेलिजेंस के अधिकारी उस वक्त क्या क्या कर रहे थे जिससे कि हम अपने पैसेंजर्स की जान बचाकर लाए, उन इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की एक्टिविटीज को आज हम सार्वजनिक कर दें तो उनको खतरे में डालेंगे क्या? मतलब किस प्रकार की राजनीति पे एक आदमी की फ्रस्ट्रेशन आपको इस सीमा तक ले आए कि आप न जाने हुए कि आपकी इस नादानी के कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होंगे।